My name is Ridma Kanwar. I study in class 6A. My school name is Sacred Heart Convent School, Delhi, Shimla. My hobby is art, dance, modeling, music. I live in Shimla. जब भी मेरे स्कूल में एनुअल डे या कोई फंक्शन होता है, मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ। अभी मैं सिंगिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। पिछली बार मैंने डांस में किया था, पंजाबी डांस में। मुझे गेम खेलना भी बहुत अच्छा लगता है। इंडोर में मुझे लूडो और कैरम बोर्ड अच्छा लगता है और आउटडोर में मुझे खो खो और कबड्डी अच्छी लगती है। जब मैं घर में फ्री होती हूँ, तब मैं मॉडलिंग करती हूँ, आर्ट करती हूँ और म्यूज़िक सुन के गाती भी हूँ। Hello, my name is Jedi. I am a teacher in Sacred Heart Convent School, and Ridma has been my student last year in class 5. And I would like to say that Ridma is truly a remarkable child. She is not only a quiet child, which shows that she has a very thoughtful nature, and she's always been a hardworking child. And I must say that I have seen she sets her mind, and to everything she gives is to 100%. And I have seen that she has been participating in many events related to annual functions, and also recently we had our annual function. She was a part of that annual function also, rather last year also. And lastly, I would like to say that Ridma is a shining example of a school. And because of her perseverance and strong work ethics she has, and I just pray to God that she excels in her life and achieves great achievements in her life. Thank you.
KKHD का मुझे पता चला, हमारे स्कूल में टीम आई थी, उन्होंने हमें बताया था और हमें स्कूल से फॉर्म मिले जिसे हमें फिल करना था और फिर हम ऑडिशन देने जा सकते थे। फर्स्ट राउंड शिमला में ही हुआ था, सेकंड राउंड मेरा टूटू में हुआ था और थर्ड राउंड मेरा सोलन में हुआ था और फोर्थ राउंड भी मेरा सोलन में ही हुआ। मैं फ़ाइनल में पहुंच चुकी हूं, अब मैं गॉड से प्रेयर करती हूं कि मैं फ़ाइनल में भी जीत जाऊं। मैं अपने मम्मा पापा का, अपने सिटी का और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकूं। नमस्कार, मेरा नाम भीष्मा कंवर है और रिधिमा मेरी बेटी है। हम लोग कंदरू 11 के रहने वाले हैं और यहाँ शिमला में बच्चे ये पढ़ते हैं मेरे, तो मेरे हस्बैंड टीचर हैं और मेरे जो हमारी जॉइंट फैमिली है, देवर देवरानी है, हमारे जितनी भी जॉइंट फैमिली में लोग हैं, रिधिमा जो है एक ऐसा बच्चा है कि सबका प्यारा है और ये सभी का, इसको बचपन से शौक है कि मुझे मॉडलिंग करनी थी, तो हमने एक हमें प्लेटफॉर्म मिला तो हमें एक मौका मिला कि हमें इसमें इसको मौका देना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंसियर बच्चा है, एक ऐसा है कि इसको शौक है, जो भी ये काम करेगी बहुत ध्यान से करेगी और इसको इसका शौक पूरा हुआ तो हम सबको खुशी हुई इस बारे में। तो ये हम इसलिए थैंक्स करना चाहेंगे हम इस प्लेटफॉर्म का, और इस लड़की का जो शौक है वो पूरा हुआ और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पूरा परिवार बहुत खुश है। रिधिमा बचपन से ही एक ऐसी है कि इसको जैसे उसे बहुत साफ़ सफाई पसंद है, जो कहीं रखना है कोई चीज़ जहाँ रखी है उसको वहीं पे रखना पसंद है। अगर किसी की चीज़ कहाँ है तो पूरे परिवार में रिधिमा को मालूम है कि वो चीज़ कहाँ है। इसको सबका ध्यान है, इसको सबकी खुशी पसंद है। कोई कहीं जाता है तो बहुत छोटे से, कोई अंदर नहीं आया घर पे, छोटे अंकल है अपने, उसके बड़े पापा है, पापा है, दादा है, कहाँ चले गए, इस टाइम क्यों नहीं आए, उनको कॉल करो, तो एक अलग सा बच्चा है और सबका इसको ध्यान रहता है। तो ये बहुत सिंसियर है, बड़ों की बात बहुत ध्यान से सुनती है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ऑल ओवर देखा जाए तो ऐसा बच्चा बहुत कम होता है, ऐसे बच्चों को जो भी प्लेटफॉर्म मिला तो ये बहुत सही है। इसको जो भी ये कदम आगे रखेगी पहले ये देखे कि सामने वाला कोई हर्ट ना हो, तो इन सारी चीज़ें, ये बच्चा थोड़ा सा हमें अलग भी है कि भाई इस तरह का है, इसका जो शौक है हर किसी को है कि भाई अगर ये अपना शौक करना चाहती है तो हम इसमें ज़रूर सहयोग करेंगे। स्टडी में ये बचपन से ही बहुत अच्छी है, इसको राइटिंग और जिसको जो जितना उसकी रीडिंग है उसको जो करना है पूरे ध्यान से करेगी। अगर उसे नहीं भी आ रहा है तो कभी भी ऐसा नहीं करेगी नहीं आता, तो आगे जाना नहीं, वो रुकेगी, पूछेगी, सोचेगी, समझेगी, बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो इसकी स्टडी में ये अच्छी है, तो हम इससे खुश हैं कि स्टडी सही है इसकी।
ये ज़्यादा ऐसा है कि इसकी शरारतें भी थोड़ी ऐसी है कि ये रहता है इसको कि जैसे साथ में है, बच्चों से शरारत करेगी, हल्की फुल्की शरारत करेगी, ज़्यादा नहीं, किसी को छेड़ेगी ऐसे, तो जैसे छोटी सिस्टर है, उसके बड़े भाई है, तो ऐसे लगता है कि इस तरह से छेड़ेगी उनको कि कभी दौड़ते हुए, और बताएगी नहीं कि भाई मैंने ऐसा किया है, लेकिन वो झूठ भी नहीं बोलेगी, तो उसका पता चल जाता है कि इसने शरारत की है, तो छेड़ती रहती है, ऐसा नहीं है, हल्का फुल्की शरारत है, ज़्यादा नहीं है। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि रिधिमा जीत के आए और हमारे गांव का, हमारी फैमिली का, हमारी सिटी का और स्कूल का नाम रोशन करे। कूच की तैयारियां रात भर चलती रही, सभी तत्पर, सभी उद्यत। सुबह कूच से पहले सुग्रीव ने वानरों को संबोधित किया, युद्ध के बारे में कहा, युद्ध भयानक होगा, इसमें केवल वही सैनिक जाएंगे जो शारीरिक और मानसिक रूप में स्वस्थ हो, जो दुर्बल है यही रुक जाए। वानर सेना को युद्ध के नियम बताए गए, रक्षा और आक्रमण के तरीके। सेना किंचिकंथा से दहाड़ती गरजती किलकारियां भरत थे, चारों ओर कोलाहल, वे पेड़ों पहाड़ों को रौंदते चले जा रहे थे, इसका नृत्य नल कर रहे थे। सुग्रीव के सेनापति जावंत और हनुमान सबसे पीछे थे, यह सेना की रणनीति का हिस्सा था। दिन रात चलकर सेना ने महेंद्र पर्वत पर डेरा डाला, वही पर्वत जहां से हनुमान ने छलांग लगाई थी, समुद्र निकट ही था। पर्वत पर सेना का ध्वज लगाया गया। मेरा नाम गरिमा कंवर है और मैं 3rd class में पढ़ती हूँ। रिद्मा मेरे बड़े सिस्टर है और उन्होंने किसमें कितना है दम में पार्टिसिपेट किया है और वो अब फाइनल राउंड में पहुँच गए हैं और वो स्टडी में भी बहुत अच्छे हैं और जब तक उनको कुछ आता नहीं आगे नहीं बढ़ते हैं।
तब तक वो आगे नहीं बढ़ते हैं जब तक उन्हें वो आ नहीं जाता है। मैम, मेरे भैया और मेरी दीदी इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स खेलते हैं और हम तीनों साथ स्टडी करते हैं। और मेरी दीदी के लिए विशेष है कि वो फाइनल राउंड जीत के आए। नमस्कार, मेरा नाम सूर्यांश कंवर है। मैं रिधिमा का बड़ा भाई हूँ। रिधिमा को मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और वह रोज़ मॉडलिंग की प्रैक्टिस करती है। मैं भी उससे सीखना चाहता हूँ कि वो कैसे करती है। रिधिमा और मैं साथ साथ शेस खेलते हैं, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड स्टडी सेस वेल भी शेयर करते हैं। और जब वो मॉडलिंग करती है तो मेरा भी मन ये करता है कि मैं भी उससे कुछ सीखूँ। वो मेरे साथ रहती है, अच्छे से हम खेलते हैं। स्टडी में रिधिमा बहुत अच्छी है और जैसा मैं उसके साथ जैसे हम उस हम दो स्टडीज़ करते हैं तो उस वक्त हम दो बहुत डिस्कशन करते हैं। मुझसे कुछ आता नहीं है तो वो वहीं पे रुक जाती है। जब तक उसे उस बारे में पूरा पता नहीं लगता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ती है। मेरी ब्लेसिंग्स रिधिमा के साथ है कि वो KKHD का फाइनल जीत के ही वापस आए। मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने पेरेंट्स का, वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरी सारी विशेष पूरी करते हैं। मैं थैंक्स करना चाहूँगी KKHD का और वरुण सर का जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू KKHD।